तो गाइज मैं फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए व्हाट्सएप हिडन फीचर टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये वीडियो बेसिकली नॉर्मल व्हाट्सएप टिप्स एंड ट्रिक्स से बहुत ही अलग होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ जान पहचान हो जाए ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं हूँ कौन। तो गाइस फर्स्ट ट्रिक की बात करें तो इस ट्रिक की मदद से आप लोग देख सकते हो किसी भी बंदा या बंदी को वो कब ऑनलाइन आ रहा है या ऑफलाइन आ रहा है। उसने चाहे आपको ब्लॉक करके भी रखा हो लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हो वो कब ऑनलाइन आ रहा है, कब ऑनलाइन से जा रहा है और कितनी देर तक वो ऑनलाइन रहा। तो बात करते हैं इसकी, तो इसके लिए आप लोगों को एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इसका नाम है व्हाट्स लॉक। तो इस ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, उसके बाद अलाउ कर देना है। ठीक है, थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद यहाँ पर प्लस का आइकन देख सकते हो, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करके यहाँ पर से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना। मैं व्हाट्सएप के ऊपर करूँगा। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर आपका नंबर जो है मांग रहा है, जिस नंबर के ऊपर आप लोग ये ट्राई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर बेसिकली एक नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पर ओके कर लेता हूँ। तो आप लोग अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नंबर भी डाल सकते हैं और उसका नंबर अपने फ़ोन में कैसे किस नाम से सेव करके रखा है उसी नाम से आप लोग यहाँ पर डाल देना। ठीक है, तो मैं भी डाल देता हूँ, मैं अपने एक भाई का नंबर ट्रैक करूँगा। तो यहाँ पर जैसे कि डाल दिया, उसका फ़ोन जैसे मैं ओपन करूँगा यहाँ पर व्हाट्सएप जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, ये बंदा ऑनलाइन आ चुका है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग फीचर है, तो ये फीचर एकदम फ्री है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑफलाइन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए फिर से मैसेज आ गया, ये बंदा फिर से ऑफलाइन हो गया। फिर से मैं जब खोलूँगा यहाँ पर फिर से मैसेज आ जाएगा यहाँ पर ये बंदा ऑनलाइन है, और यहाँ से इसको जैसे ही मैं कट कर देता हूँ फिर से मैसेज आ जाएगा ये बंदा ऑफलाइन है। तो ये इसके ऊपर आप लोग क्लिक करके देख सकते हो ये बंदा कितनी देर तक से कितनी देर तक ऑनलाइन रहा। किसी भी नंबर को जस्ट एक बार के लिए यूज़ कर सकते हो फ्री में। और अगर आप लोग इस ऐप का सब्सक्रिप्शन चाहते हो तो इस ऐप को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब पैसे लगेंगे और भी ज़्यादा आप लोगों को फीचर दिया जाएगा। यहाँ पर से डिलीट करने के लिए यहाँ पर जैसा कि दिखाई दे रहा है तो इसको ओके कर देता हूँ। पहले इस बटन को आप लोगों को ऑफ़ करना है, उसके बाद डिलीट करना है। जैसे मैं यहाँ पर ऑफ़ कर देता हूँ, उसके बाद जैसे आप लोग डिलीट के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये नंबर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, जिस भी नंबर को आप एक बार डिलीट कर दोगे वो नंबर यहाँ पर काम नहीं करेगी दोबारा। आप लोग एक नंबर को जब तक यहाँ पर रखोगे तब तक ये नंबर जो है काम करेगा और आप लोगों को मैसेज देगा कि ये बंदा ऑनलाइन आ गया है, ये बंदा ऑफलाइन जा चुका है। तो अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक की। तो सब लोगों ने, आई होप आप लोगों ने मैसेंजर यूज़ किया है, तो ये ट्रिक हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर करके देखेंगे। तो सपोज़ आप लोगों को किसी ने मैसेज किया है और आप लोग ऑनलाइन होना नहीं चाहते, तो उस बंदे के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से मैसेंजर की तरह रिप्लाई का ऑप्शन जो है आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग रिप्लाई कर देना और आप लोगों को व्हाट्सएप बाकी लोग नहीं देख पाएंगे कि आप लोग ऑनलाइन है। तो आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका नाम है व्हाट्सएप बबल। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग इंटरफेस देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे एरो के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर एग्री कर देना है, थोड़ा लोडिंग हो और नेक्स्ट करते जाना है। तो नेक्स्ट मैं करते जाता हूँ, आप लोग भी करते जाना। अब यहाँ पर जो है इस बटन को एनेबल कर देना है, तो अपने सेटिंग्स में जाकर इसकी परमिशन को जो है ग्रांटेड कर देना। मैं यहाँ पर से ग्रांटेड कर देता हूँ और दूसरे नोटिफिकेशन को भी यहाँ पर ग्रांट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट के बटन के ऊपर जैसे क्लिक कर यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे जो है यहाँ पर दिखाई जा रहा है, ऐसा जो है इंटरफेस आप लोगों के सामने खुलेगा अगर आप लोगों को कोई मैसेज करेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं इसका नाम है टेस्ट बबल, तो यहाँ पर आप लोगों को जाना है सेटिंग में। सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ आप लोगों को क्या करना है। तो यहाँ पर अगर ऐड आता है तो इसको जो है क्रॉस कर देना है और यहाँ पर बबल का जो आइकन है वो आप लोग कितना बड़ा रखना चाहते हैं वो। यहाँ पर आप लोगों को कोई मैसेज करेगा तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे मैसेज सेंड किया तो वैसा ही यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आ गया। तो इसको जैसा कि मैसेंजर हम लोग यूज़ करते हैं वैसा यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ पर से रिप्लाई भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसको अगर हम लोग कट करना चाहते हैं तो यहाँ से एक क्रॉस का निशान है उसके ऊपर लगाएंगे तो वो यहाँ से चला जाएगा।
तीसरी ट्रिक की बात करें तो तीसरी ट्रिक की मदद से आप लोग किसी का भी जो है स्टेटस देख सकते हो और उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर जीरो व्यूज़ है, देख सकते हैं। तो हमें इस काम को अंजाम देने के लिए व्हाट्सएप में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके सेटिंग्स में जाना है। अब यहाँ पर अकाउंट्स का एक ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देगा, उसके बाद प्राइवेसी में जाना है। यहाँ पर रीड रिसिप्ट का आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको जो है बंद कर देना है। बस आपका काम हो गया। अब आप जिसका भी स्टेटस देखोगे, जितनी बार भी देखोगे, उसको एकदम नहीं पता चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है, चाहे वो कितनी भी एप्लीकेशन यूज़ कर ले। यहाँ पर उसका जो व्यू है वो ज़ीरो दिखाएगा। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जिसका स्टेटस देखना चाहते हो उसको सर्च करना, यहाँ पर आपने उसका स्टेटस देखा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इस फ़ोन में दिखाता हूँ, आपने उसका स्टेटस देखा, एक भी व्यू काउंट नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया, रीड रिसिप्ट को ऑफ करने पर कोई भी आपका स्टेटस, मैं मतलब आप किसी का भी स्टेटस देखोगे तो उसको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है। तो वैसे उसका भी उल्टा होगा, अगर आप लोग अपना स्टेटस डालोगे कुछ भी व्हाट्सएप पे, तो उसको किसी भी बंदा, कोई भी बंदा सीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने अपना रीड रिसिप्ट ऑफ करके रखा है। तो ये कर सकते हो, जब आपको किसी का स्टेटस देखना होगा तो उसको बंद कर देना, उसके बाद जो है अपना स्टेटस जब डालोगे उसको रीड रिसिप्ट को जब तक आप लोग ऑन नहीं करते, तब तक आपका स्टेटस जो है कोई बंदा नहीं देख पाएगा। तो फोर्थ ट्रिक के बढ़ते हैं, ये मेरा फेवरेट ट्रिक है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई भी बंदा या बंदी मैसेज करता है, उसके बाद जो है वो डिलीट कर देता है, डिलीट फॉर एवरीवन करता है, तो यहाँ पर उस मैसेज को वो बंदा भी नहीं देख सकता, आप भी नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन बताऊँगा, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग उस डिलीटेड मैसेज को भी देख सकते हैं। जैसा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं एक इमोजी भी डिलीट कर देता हूँ, अब यहाँ पर वो देख सकते हैं। इस ऐप का नाम है WAMR, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है जिसका डिलीटेड मैसेज आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए व्हाट्सअप सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर एनेबल के ऊपर क्लिक करके अलाउ कर देना, आपका जो है सेटअप कम्प्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को डिलीटेड मैसेज देख सकते हैं, यहाँ पर स्टोरी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं मैसेज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर किसी बंदे ने या बंदी ने आपको हाय बोला, उसके बाद वो उस मैसेज को जो है यहाँ से डिलीट कर देता है। तो आप लोगों को करना क्या है, उस एप्लीकेशन के अंदर जाना है और थोड़ा वेट करना है, और यहाँ पर वो डिलीटेड मैसेज आप लोग यहाँ से देख सकते हो, और यहाँ से किसी का भी स्टेटस आप लोग जो है सेव कर सकते हो, सेव बटन के ऊपर क्लिक कर। और अगर आप लोग सेव करना नहीं चाहते तो यहाँ पर स्टोरी खोलना, यहाँ पर शेयर का एक ऑप्शन मिलता है, तो ये शेयर कर देना। बात करते हैं पांचवी ट्रिक की, तो इस ट्रिक की मदद से आप लोगों को कोई बंदा या बंदी ने जो है मैसेज किया है, वॉइस मैसेज किया है, आपका रिसिप्ट ऑफ है, लेकिन आप जब उस वॉइस को प्ले करोगे तो आपका जो पट्टी होता है वो ग्रीन से ब्लू हो जाएगा, और उस बंदे को पता चल जाएगा कि आपने उसका वॉइस सुना है और आपने उसका सारा जो मैसेज है वो देख भी लिया है। तो इससे बचने के लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है, जुगाड़ बोल सकते हो या फिर ट्रिक बोल सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर प्ले नहीं करना, तो आप लोगों को जाना है अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में। अब यहाँ पर आप लोगों को एक फोल्डर ढूंढना है, वो है व्हाट्सएप का फोल्डर। तो मैं यहाँ पर बेसिकली व्हाट्सएप का जो फोल्डर है मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ। तो ढूंढ लिया, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद मीडिया का ऑप्शन आता है, उसके नीचे देखिए एकदम नीचे व्हाट्सएप वॉइस नोट का ऑप्शन है, यहाँ पर डेट वाइज सब दिया हुआ है। मैं यहाँ पर रिसेंटली डिलीट करता रहता हूँ। तो गाइस जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर म्यूज़िक प्लेयर ओपन हो जाएगा, आप लोग किसी भी म्यूज़िक प्लेयर को सिलेक्ट करके सुन सकते हो। यहाँ पर डेट वाइज आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है जो है वॉइस नोट, आप लोग देख सकते हो, सुन भी सकते हो किसने आपको किस मैसेज में, मेरे मतलब किस वॉइस में क्या भेजा है, और उसको पता भी नहीं चलेगा आपने उसका वॉइस सुन लिया है। सिक्स ट्रिक की मदद से आप लोग किसी का भी कॉन्टैक्ट विदाउट सेव किए उसको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो ये अपडेट दिया गया है, तो सबसे पहले आप लोगों को जाना है व्हाट्सएप के सेटिंग्स के अंदर। तो दोनों फ़ोन में ये खोल लेना है, मैं यहाँ पर भी खोल लेता हूँ। तो सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक QR कोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों साइड में क्लिक कर देता हूँ मैं। तो अब यहाँ पर माई कोड और स्कैन कोड के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, एक फ़ोन में माई कोड और दूसरे फ़ोन में स्कैन कोड के ऊपर। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट उस बंदा या बंदी को जो है आप लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं। मन ही मन ही वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी पता है, तो हिट कर दो लाइक बटन पे और घिस घिस के
ब्लू कलर कर दो, ठीक है। और चैनल पर नया तो बस सब्सक्राइब जरूर से करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर देना ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी, नहीं करना भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन इसके बाद मैं जो बात बोलूँगा उससे आप लोग मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। तो क्या आप लोगों को हैकिंग में इंटरेस्ट है? तो गाइस क्या आप लोग किसी का व्हाट्सएप अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर पूरा फ़ोन ही हैक करना चाहते हैं? तो चैनल को ज़ोर से सब्सक्राइब करना और मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करें तो कमेंट में अगर 10 लोग मुझे कमेंट कर दे कि मैं इस टॉपिक के ऊपर जो है हैकिंग का वीडियो लेकर आऊं तो मैं ज़ोर से लेकर आऊंगा व्हाट्सएप हैकिंग सबसे पहले लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ सिर्फ 20, ठीक है। 20 पीपल जो है इस वीडियो को लाइक कर देना और 10 पीपल कॉमेंट में जाकर ये लिख देना कि मुझे हैकिंग सीखना है और हैकिंग का वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन वो मेरी ज़रूरत है। और आप लोग चाहते हैं हैकिंग सीखना सिर्फ अपने प्रोफेशन के लिए नहीं, जस्ट शौक के लिए हैकिंग सिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को मुझसे वादा करना पड़ेगा कि इस हैकिंग का आप लोग गलत उपयोग नहीं करेंगे। और YouTube में अगर मैं हैकिंग वीडियो छोड़ूंगा तो मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगा। तो अगर मैं इस स्ट्राइक को संभालना चाहता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बंदा या बंदी को, जो भी अपने फ्रेंड्स या सर्कल में जो भी है, उनको शेयर करना पड़ेगा मेरा वीडियो और बोल देना इस चैनल पे जो है हैकिंग वीडियो आने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर देना तो मैं हैकिंग वीडियो जरूर से जरूर लेकर आऊँगा। आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो और यूट्यूब की वीडियो की बात ना करें, ऐसा वीडियो नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग एक लिंक से, मतलब आप लोग कोई भी एक YouTube वीडियो आप लोग जिस ड्यूरेशन में दिखाना चाहते हैं अपने दोस्त को, अगर उस दोस्त को आप लोग यहाँ से जो है वीडियो शेयर कर देंगे, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। यहाँ पर WhatsApp में जाकर मैं उस वीडियो को अपने एक दोस्त को शेयर कर देता हूँ या फिर किसी को भी शेयर कर देता हूँ। उसके बाद जो है शेयर करने के बाद अगर वो बंदा या बंदी जो है उसको क्लिक करेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टाइम ओपन हो जाएगा। सबसे पहले कोई भी वीडियो सिलेक्ट करो और उसको जो है शेयर कर दो अपने किसी भी दोस्त को। शेयर करने के बाद सेंड मत करो, उसके ऊपर यहाँ पर लिखो लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है, लिखो T=, तो उसके बाद आप लोग जो भी ड्यूरेशन देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 30 कर देता हूँ, 30 मतलब 30 सेकंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेगा वो बंदा या बंदी वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो बात करते हैं 8वीं ट्रिक की। तो यहाँ पर आप लोग किसी का फॉर एग्जाम्पल मान लो व्हाट्सअप स्टेटस देख रहा हो, तो व्हाट्सअप स्टेटस देखने के लिए आप लोगों को हाथ को जो है स्टॉप करना पड़ता है स्टेटस के ऊपर, तो अक्का उंगली दर्द भी कर सकता है। तो यहाँ पर 3 उंगली लेना और यहाँ पर एकदम टैप कर देना, तो ये जो इमेज है या फिर जो स्टेटस होगा वो रुक जाएगा, थम जाएगा, सबर जाएगा। और यहाँ पर डबल टैप करने पर आप लोग दूसरा स्टेटस देख सकते हो। तो यहाँ पर अपने 3 अंगूठा लेकर जो इसके ऊपर एक बार टैप करोगे तो दुनिया कोरोना से तबाह हो जाएगी, लेकिन आपका स्टेटस हिलेगा भी नहीं, डुलेगा भी नहीं। तो गाइस 9 नंबर की बात करें, तो कोई भी बंदा या बंदी जो है आपका नंबर कहीं से जुगाड़ कर लेता है और वो किसी भी ग्रुप में आपको ऐड कर देता है, ये बहुत ही इरिटेटिंग सा लगता है। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, उससे सेटिंग्स, यहाँ पर अकाउंट, यहाँ पर प्राइवेसी और यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा एवरीवन ग्रुप, एवरीवन है, यहाँ पर माई कॉन्टैक्ट कर देना और यहाँ पर नीचे डन कर देना। तो अब आप लोगों के कॉन्टैक्ट में जो भी पर्सन होगा सिर्फ वो ही आपको जो है ग्रुप में ऐड कर सकता है, बाहर का कोई आदमी जिसके पास बस आपका नंबर है वो आपको ऐड नहीं कर सकता। तो बात करते हैं 10वीं और आखिरी ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने मान लो कोई भी वीडियो स्टेटस में डाला है और आपका जो दोस्त है वो आपसे मांग रहा है मुझे वीडियो दे, मैं भी अपने स्टेटस में डालूंगा। तो आप लोगों को करना क्या होगा, आपके उस दोस्त के कॉन्टैक्ट में जाना होगा व्हाट्सएप में, उसके बाद अपने गैलरी से उस वीडियो को जो है आप लोगों को अपने दोस्त को शेयर करना पड़ेगा। तो इतना झमेला ना करके मेरे पास एक शॉर्टकट उपाय है, तो आप लोगों को अपने स्टेटस के ऊपर जाना है, वहाँ पर 3 डॉट दिखाई देंगे उसके ऊपर जाना है, जिस वीडियो को वो चाहता है उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद शेयर का एक ऑप्शन है, उससे आप जिस भी दोस्त को जो है शेयर करेंगे उस दोस्त के पास वीडियो चला जाएगा और वो दोस्त खुश होकर वो स्टेटस नीलज की तरह अपनी स्टेटस में लगा देगा। क्या भी कर सकते, दोस्ती तो है। तो गाइज वीडियो आप लोगों को आई एम श्योर डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे कमेंट में लास्ट में ये बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और इस वीडियो की कौन कौन सी ट्रिक जो है आप लोग जानते थे पहले से, बट कुछ बंदा ऐसा होता है ना वो सब जानता होता है, तो इसमें से कुछ कुछ अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताना 1, 2, 3, 4 करके, मुझे ये ट्रिक्स पता थी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मुझ में इंटरेस्ट है, मतलब मेरे लाइफ के
विषय में जानने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से मुझे सोशल मीडिया में आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।